हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गुलदाउदी में हम फूल कैसे ज़्यादा ले सकते हैं। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, तो फिर हम सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। देखो गुलदाउदी कितने अच्छे हो रहे हैं ना। इसको मैंने बिल्कुल बूसी कर दिया है, और बूसी मैंने ऐसे किया है, यहाँ से मैंने ऐसे करके इसको पिंच कर दिया ऐसे। तो ऐसे करके जब मैं यहाँ से कट कर दी तो ये देखो बूसी हो गया। अगर आप हमारी वीडियो पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि बूसी हमने कैसे किया है। इसको देखो, एक ही पौधा देखो कितना अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है ना। ये देखो बहुत सारे गुलदाउदी हैं, ये देखो, ये देखो, ये तो मैंने बाद में लगाया है। तो मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि मैं ऐसे पौधा लगाती हूँ जो आगे पीछे फूल आता रहे। जैसे कि अब इसमें फूल आ जाएगा तो आगे के जब ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मेरा इसमें फूल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने पीछे लगाया है। और देखो ये एक ही गमले में देखो दो तरह का लगा रखी हूँ। ये देखो कोलियस भी है और ये गुलदाउदी है, और इसी में देखो कोस्कोम है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि फूल हम कैसे ज़्यादा लेंगे। बहुत सारे फूल आएंगे आपके, अगर एक गमला है, एक गमले में आपने लगा रखा है तो एक गमले में दो तीन कलर लगा दो तो उससे भी ढेर सारे फूल आ जाएंगे। बाकी और भी मैं अभी बताऊंगी कैसे फूल ज़्यादा आएगा। आप हमारी वीडियो देखना पहले का, उसमें इतने फूल आ रखे हैं, ढेरों फूल आ रखे हैं। और देखो गुलदाउदी कितनी सारी गुलदाउदी है ना। अभी तो दूसरी तरफ और भी मेरा रखा हुआ है, ये देखो बहुत सारे हैं। ये देखो ये सूख रहा है, इसमें पानी नहीं डाला था, कोने में पड़ा था ना, अब डाला है मैंने पानी। देखो कितनी गुलदाउदी है ना, सब गुलदाउदी है। ये देखो पिंच कर रखा है मैंने, इतना अच्छा बूसी हो गया। एक पौधे में से आपका एकदम गुच्छा बन जाएगा। इसी में देखो कोस्कोम भी चल रहा है, खुद ही सीड झड़ के हो गया, फिर मैंने उखाड़ा नहीं। ये पहले ही खिल के ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग चालू होगा तो मैं इसे बाद निकाल दूंगी। और देखो ये कटिंग से लगाई थी, कितना अच्छा हो रहा ना कटिंग वाला। ये देखो ये गमला दिख रहा है, इसमें देखो बेबी सनरोज की कटिंग लगाई हूँ। देखो कितना अच्छा हो रहा है, ये देखो। ये देखो ये भी कितना खूबसूरत हो रहा है ना, बहुत अच्छा फूल आएगा इसमें भी। खुद ही सीड झड़ के हुआ, मैंने इसको लगाया नहीं है। ये इसमें हिबिस्कस के पौधे में डबल वाला है ये। देखो ये भी गुलदाउदी है, और ये तो पूछो मत कटिंग वाला जो मैंने लगाया था, इतने फूल इसमें आते हैं। कल तो बहुत आए थे, बहुत ज़्यादा कल फूल, टाइम मिल नहीं पाया मेरे को वीडियो बनाने के लिए, बहुत फूल था इसके अंदर। और ये देखो ये तो बस मुस्कुरा ही रहा है, बहुत लंबा हो गया है। मैं ये लटका के दिखा रही हूँ, ये देखो पकड़ रखी हूँ मैं, लटका के दिखा रही हूँ नीचे, बहुत ऊंचा जा रहा है ये। गमले के अंदर इतना ऊंचा करना यानी इतना बड़ा पौधा करना कोई खेल बात नहीं है। और कोई खाद मैंने 2 साल से गोबर खाद भी नहीं डाली हूँ, गोबर का खाद भी नहीं डाली हूँ, फिर भी मेरा पौधा इतना अच्छा चल रहा है। ये देखो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई रेडीमेड खाद नहीं डालती मैं, अपने घर का ही किचन वेस्ट जो है वही डालती हूँ या गोबर खाद डालती हूँ। तो मैंने 2 साल से डाला ही नहीं है, अब डालूँगी इस साल, थोड़ा बारिश कम हो जाए फिर डालूँगी। फूल हमेशा हमारे गार्डन में मिलेगा, आप जब भी वीडियो देखोगे आपको फूल ज़रूर मिलेगा। देखो ये दूसरे कलर का है, खुद ही सीड झड़ झड़ के ये सारे हो गए हैं, खुद ही झड़े हैं और हुए हैं। सोचो
एक बार आप इसको लगा लो, आपको दोबारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही सिर झड़ झड़ के हो जाएगा। और फिर आपका गार्डन इतना अच्छा लगेगा, लोग तारीफ़ करेंगे आपकी कि कितना अच्छा गार्डन है आपका। ये देखो कितना खूबसूरत फूल है, बहुत प्यारा है। इसमें भी खूब फ्लावरिंग हो रहा, बहुत ऊंचा जा रहा है। ये देखो ये दूसरे कलर का है, ये भी बहुत बड़ा हो रहा, काफ़ी बड़ा हो रहा। ज़मीन में तो इतने बड़े होते हैं, लेकिन गमले में इतना बड़ा तो मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा है कि इतना बड़ा कोसकोम का पौधा हो जाए। बस ये है कि इनकी देख रेख मैं अच्छा करती हूँ, इसी वजह से ये इतने बड़े हो गए। देखो पूरी ऐसे हो रहा जैसे कि जंगल, एकदम प्यारा सा जंगल लग रहा है। और ये मैंने गुलदाउदी लगाया हुआ है, ये मेरी सर्दियों की तैयारी है। जब ये मेरा फूल बंद हो जाएगा ना, तो देखो इसमें खिलने चालू हो जाएगा ये वाला। अरे गमला गिर गया, रुक जाओ। जब ये बंद हो जाएगा तो फिर देखो इसमें खिलने चालू हो गया, कहने का मतलब अब ये बंद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा फूल अब आएगा नहीं, फूल ये आ चुका। कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे कि चिराग दिया जलता है ना, जैसे दिए की तरह है। देखो यहाँ से अलग है और ये इतना हिस्सा अलग है, कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे दिया जल रहा हो, बहुत प्यारा लगता है ये। अब ये बंद हो जाएगा फूल, इसमें बंद हो जाएगा तो फिर देखो मेरा इसमें चालू हो रहा है। अब उसके बाद फिर इसमें आ जाएगा फूल, फिर देखो इसमें आ ही रहा है। तो ऐसे करके हमारे फ्लावरिंग चलते ही रहते हैं। और ये सदाबहार तो खैर हमेशा ही चलता है, सर्दी गर्मी बरसात हमेशा ही इसमें फ्लावरिंग होता ही रहता है। फिर उसके बाद देखो मेरे इसमें फूल आ जाएगा, जब ये मेरा फूल देना बंद कर देगा तो फिर पिटूनिया में आ जाएगा। पिटूनिया, फ्लॉक्स, पेंजी, बहुत सारे हैं, सेलेविया, उनमें फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। तो फूल कहाँ बंद होता है, हमेशा ही तो फूल रहता है गार्डन में। बस ये है, लगाने के ऊपर है, आप कैसे लगाते हो। ऐसे करके लगाया करो और आगे पीछे करके लगाया करो जैसे कि मैंने बताया, तो आपके गार्डन में हमेशा फूल रहेगा। देखो कितने अच्छे हो रहे हैं ना। तो इसमें मैं कैसे ज़्यादा फूल लूँगी, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। घर से ही आपके खाद बन जाएगा, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ देखो एक केले का छिकल सुखा लो, इसे कट कर लो छोटा छोटा करके, और ऐसे करके सुखा लो और गमले के अंदर आप डाल दो। और देखो ढेर सारे आपके गुलदाउदी में फूल आ जाएंगे। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। देखो ऐसी फर्टिलाइज़र बनाओ, नई नई जानकारी मैं लाती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।